हाय फ्रेंड्स, इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे ही आप इमोशनली अपने पर्सन से डिटैच होते हैं, सबसे पहली वैल्यू तो आप खुद की करने लग जाते हो, जो बहुत ज़रूरी है। ओके, होता क्या है, जब हमारे पर्सन हमें इग्नोर करते हैं, हमारा कॉल नहीं उठाते या ब्लॉक कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हम रोना शुरू करें, गिड़गिड़ाना शुरू करें, उनके आगे वो सब चीज़ें कर जाएं कि वो किसी भी तरह से हमारी बात मान लें, हमसे बात करना शुरू कर दें, हमें अनब्लॉक कर दें। पर अपनी वैल्यू इस हद तक डाउन करने के बावजूद भी जब कॉल नहीं आता है, तब जा कर के वो झटका लगता है हमें, जब हमें समझ आता है कि अब बस हो गया, अब बस हो गया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। और तब वो जादू होना शुरू हो जाता है कि सामने वाला फिर आपको अप्रोच करने लगता है। तो जैसे ही आपने इमोशनली अपने पर्सन से अपने आप को डिटैच कर लिया, अब आपने अपने आप को ये बोल दिया कि अब आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं, और इसके साथ साथ खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, सबसे पहली बात, आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए। अब आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे, अपने आप को डी वैल्यू करना बंद कर दिया, अपनी वैल्यू को हाई कर दिया, रेस कर दिया, वाइब्स भी हाई हो गए, वाइब्रेशंस हाई हो गए, और उससे भी सोने पे सुहागा जो किया, सेल्फ लव ने कर दिया। कि जैसे ही आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, वाइब्स सुपर हाई हो गए, अट्रैक्शन पावर्स ऑलरेडी बढ़ गई। जैसे एक हीरा होता है कोयले के खान से निकलता है, राइट, पहले वो कोयले जैसा ही होता है, पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो जब जौहरी उसे पहचान लेता है तो उसे तराशना शुरू करता है, और जितने अच्छे से तराशता है उतने अच्छे से उस हीरे की रोशनी चमक बढ़ती जाती है, राइट, और फिर उसकी जो वैल्यू बनती है वो फिर अमूल्य हो जाता है, राइट। वैसे ही हम हैं, हम जैसे ही अपने इस तरह के सैडनेस से निकल करके बाहर आए और फिर अपने आप को पॉलिश किया सेल्फ लव से, तो हमारी भी वैल्यू सुपर हाई हो गई, और जैसे हीरे की अगर मैं बोलूँ चमक, या हीरे की अट्रैक्शन पावर्स इतनी होती हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जैसे हीरा ना पसंद हो, वैसे ही आप हो जाते हो। ओके, कि जैसे ही आप सेल्फ लव में आए, खुद को तराशा, इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को पसंद ना हो, लोग आपकी तरफ भागते दौड़ते चले आते हैं, और वैसा ही हमेशा होता है। सो इसीलिए बोलते हैं कि रिलेशनशिप में प्लीज वो मोड, वो उस फेस में भी आइए जहां पे आप डिटैच हो जाएं इमोशनली, अपने इमोशंस को उस जगह से डिटैच कीजिए जहां पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, वहां से बिल्कुल हट जाइए आप, अपने आप को अपने इमोशंस में लेके आओ, अपने आप से प्यार करो, खुद अपने अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। हमारी वैल्यू को घटाने वाले बढ़ाने वाले सबसे पहले हम खुद होते हैं, बाद में कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि उसको हमने वो हक दिया हुआ है कि आप हमें डी वैल्यू कर सकते हो, आप हमें चार बातें सुना सकते हो। जिस वक्त आपने उसे स्टॉप कर दिया कि नहीं बस, वहां पे आपने अपनी वैल्यू रेज कर ली, वहां पे आपकी बॉडी में वो वाइब शुरू हो जाती है कि यस, आपकी बॉडी ये समझ जाती है कि आपको खुद अपने लिए कितना केयर है, कितना प्यार है। मैं ये चीज़ें यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एक सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड है, जो ये सारी बातों को लेके आई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये बातें बता रही हूँ, और ये सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसको ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। ये लिखती हैं, दीदी मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरा नेम को हाइड रखिएगा, ओब्वियसली नेम मैं शेयर नहीं करती किसी का भी। दीदी एक्चुअली मेरे एसपी से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, उन्होंने गुस्से में मुझे ब्लॉक कर दिया था। दीदी मैंने उनको कॉल का ट्राई भी किया करा, बिकॉज मैं हमेशा ही इस रिश्ते को बचाने में लगी रहती थी, नीचे गिर जाती थी, गिर जाती हूँ, और हर बार ऐसा ही होता है। बस इस बार जब मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक करा, तो मैंने ठान लिया बस बहुत हो गया, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, रो रो कर देख लिया, गिड़गिड़ाकर देख लिया, अब बस, अब नहीं। मैं हमेशा ही उनको दूसरे नंबर से कांटेक्ट करती थी, बहुत कुछ करती थी, मैंने सब बंद कर दिया। मैंने सोचा रोज रोज रोने से बढ़िया है एक बार रो लो, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मैंने कहीं से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, बहुत अच्छा किया। यही तो डिटैचमेंट है कि बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच। ओके, मैंने सेल्फ लव करा, सबसे पहले कुछ दिनों में मुझे रिजल्ट मिलने लगे, जो लोग मुझसे पहले बात नहीं करना चाहते थे वो अब बात करना चाहते हैं, बार बार कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन ये
खुद फोन नहीं उठा रही हैं, बल्कि ये लिखती हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। अभी काफी सारी चीजें लिखी हैं इन्होंने। फिर इन्होंने लिखा है कि जब इन्होंने सेल्फ लव करा और पूरे शिद्दत से किया है खुद से प्यार, तब जा करके कुछ दिनों के बाद, इसके साथ साथ सेल्फ लव के साथ साथ इन्होंने रिचुअल्स, टेक्निक्स, प्रेयर्स भी की हैं। गॉडेस हिकाटे की प्रेयर की है। इसके बाद इनके एसपी ने इनको अनब्लॉक किया सबसे पहले, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से प्रे किया है, मास्टर मर्लिन, सेंट एक्सपेडाइट प्रेयर किया, टेलीपैथी करी है, लव वाइब्रेशन सेंड करा है, हो पोनो पोनो प्रेयर करा है, 16 दिन तक किया है ये सब। तब जाके इनके पार्टनर ने इनको अनब्लॉक भी किया, ओके, और फिर खुद से कॉल भी किया है। तो दोनों बातें हुई हैं यहाँ पे। इन्होंने सोचा था कि ठीक है, आना है आए, नहीं आना है मत आए, कोई बात नहीं, मुझे अब और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है अपने पार्टनर के लिए। इन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, और अपने लिए इन्होंने हवाइन प्रेयर किया, हो पोनो पोनो प्रेयर किया, साथ में इन्होंने सेल्फ लव को जारी रखा है। ये जो हवाइन प्रेयर इन्होंने खुद के लिए किया है, उसने मराकल किया इनके लाइफ में, पूरे अच्छे से हीलिंग दी इनको, काफी अच्छा। इसके बाद ये लिखती हैं कि ओके, इसके बाद ये लिखती हैं कि आज उनकी कॉल आ गई, बट मैंने रिसीव नहीं करा। जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी पॉसिबल हो गई। आपके मैंने बहुत सारे रिचुअल करे हैं पहले भी, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हनी रिचुअल और स्टिफनेस एंड वाला रिचुअल। एक मेरा स्पेल है स्टिफनेस, जो पार्टनर बड़े स्टिफ हो जाते हैं ना, वो स्टिफनेस को एंड करने वाला है, ओके। सो वो आप यूट्यूब के सर्च में डालोगे स्टिफनेस एंड वाला रिचुअल करके, बाय सुमन शर्मा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यस, इसके बाद लिखती हैं, आप हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक माँ होती है जैसे आप अपने बच्चों को के लिए हर छोटी छोटी चीजों को समझाना मुझे बहुत पसंद है, एंड थैंक यू सो मच। मैंने जब भी आपको इंस्टा पे मैसेज करा, आपने हमेशा रिप्लाई करा है, एंड थैंक यू, ओके फाइन। इसके बाद ग्रैटिट्यूड है इनका काफी सारा, थैंक यू सो मच डियर, एंड यस थैंक यू फॉर दिस स्टोरी, जिससे हमें सीख भी मिलती है। तो इसलिए आप सबको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी रिलेशनशिप में आप, जिनके भी साथ हैं, चाहे जितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, अपनी वैल्यू कभी भी कम मत करना, अपने लिए सेल्फ लव कभी भी कम मत करना, साथ में अपने इमोशंस को हमेशा सुपर हाई रखो, और उस लेवल तक अपने आप को कभी भी किसी के आगे भी अगर आप रो के और गिड़गिड़ा के कोई चीज मांगोगे ना, कभी भी नहीं मिलेगी। अगर दया भावना से किसी ने दे भी दी, एक बार अनब्लॉक करके कॉल कर भी लिया, तो वो हमेशा उस चीज में रहेगा कि मैं इससे कुछ भी मनवा सकता हूं और कभी भी इसको ब्लॉक कर सकता हूं, ठीक है। तो किसी को भी उतना हक मत दो कि आपके सामने वो अपने आप को ऐसा प्रूफ करे कि जैसे वो भगवान है आपके लिए, राइट। आप अपने भगवान खुद हो, ऑल राइट। और आपके पास जो पावर्स हैं वो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए प्लीज अपना कंट्रोल अपने ऊपर हमेशा बना के रखो, अपने कंट्रोल को कभी भी कम मत होने दो। और इसके साथ साथ मैं यही बात बोलूंगी कि जब आप लोगों की लड़ाइयां होती हैं, ठीक है, तो लड़ाई में क्या होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि अगर सामने वाला बुरा बोल रहा है तो मुझे उससे डबल बुरा बोलना है, ताकि उसको भी तो लगना चाहिए ना, नहीं तो बाद में जाके हमें याद आता है, अरे मैंने ये बात तो बोली नहीं, ये बात रह गई, ठीक है। बट कर्मा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप दूसरे को वैसी ही बातें बोलना शुरू करते हो। तो ये आपके आपके ऊपर है कि आप किस हद तक पॉलिश करके अपनी चीजों को बोल पाते हो। तो यू, अगर आप किसी को जवाब भी देना चाहते हो, तो कुछ अच्छे शब्दों का ही चयन करो, क्योंकि उन्हीं शब्दों की वाइब्रेशंस घूम के आपके पास भी आएंगी, ओके। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, जैसा भी है, ओके। सिर्फ आपके पार्टनर के लिए बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, किसी और जमाने वालों के लिए नहीं, कि कोई पत्थर मार रहा है तो उसको भी आप फूल ही फेंक के मारो, मैं वो वाला अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं लेके आ रही हूँ। उसके लिए एक अलग वीडियो होगी कि वहां पे हम लोगों से कैसे टैकल करें जब हमें कोई दूसरे लोग आकर के हर्ट कर जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आपके पार्टनर्स की बात हो रही है कि आप अपने पार्टनर से जब बात करते हो, वो भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस वक्त तो आप लड़ लेते हो अच्छे से, आप आर्ग्यू कर लेते हो, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद आपको समझ आता है कि अब हम दोबारा से कैसे स्टार्ट करें। फिर आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, जहां पे आपको उनको टेलीपैथी भेजनी है, क्योंकि अब आप उनको बोल रहे हो कि अनब्लॉक करें। फिर आप उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, ताकि आपका प्यार थोड़ा सा वहां पे यस जागे दोबारा से। तो क्यों हमें बैक टू स्क्वायर वन आना है, चीजों को उतना ही सॉफ्ट एंड सैपल रहने दो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही चीज में आप रिप्लाई दोगे तभी आपका बड़प्पन होगा। कभी कभी इस तरह से डिटैच होके देखना,
बिना बोले डिटैच हो जाओ और फिर देखो उसका मैजिक, वो आपके लड़ाई से ज्यादा काम कर जाएगा. ओके सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस.